हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन अचानक ही टूट गया। इस पर इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, गद्दारी हो जिसकी बुनियाद अंजामे मीनार होना ही था बर्बाद। जननायक जनता पार्टी चौटाला परिवार में फूट के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही अस्तित्व में आई थी। हालांकि इनोलो नेता ने अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला या जजपा का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा जजपा की तरफ ही था। एक दूसरे ट्वीट में अभय चौटाला ने लिखा कि मुख्यमंत्री बदलकर भाजपा ने कबूला है कि वो प्रदेश को बर्बाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों ने तो बीजेपी को 2019 में ही हरा दिया था, वो तो गद्दारों की मदद से सरकार बन गई। मालूम हो कि 2019 में भाजपा को 41 सीटें मिली थी और जजपा की झोली में 10 सीटें आई थी। चुनाव के बाद जजपा से गठबंधन कर और निर्दलीय सदस्यों की सहायता से भाजपा ने सरकार बनाई थी। चौटाला ने आरोप लगाया कि उस गठबंधन ने 4.5 साल लूट मचाई, भ्रष्टाचार किया और चुनाव आते ही नाटक रच दिया। मान रहे हो कि चुनाव में बुरी तरह हार रहे हो। अभय चौटाला ने भाजपा से जानना चाहा कि इसका मतलब तुम मान रहे हो कि चुनाव बुरी तरह से हार रहे हो। जनता को भी विचार करना चाहिए कि फैसला आज ही क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ। बता दें कि मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सैनी के साथ भाजपा के 4 और एक निर्दलीय विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि पूर्व गृह मंत्री और अंबाला छावनी से 6 बार के विधायक अनिल विज को नई कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। भाजपा के कंवर पाल, मूलचंद शर्मा, जयप्रकाश दलाल, बनवारी लाल और निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला ने मंत्री पद की शपथ ली। ये 5 खट्टर मंत्रिमंडल में मंत्री थे। जजपा के दुष्यंत चौटाला, दविंदर बबली और अनूप धानक खट्टर मंत्रिमंडल में अन्य मंत्री थे। बता दें कि गठबंधन टूटने से पहले दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन के तहत एनडीए की तारीफ कर सीट शेयरिंग पर चर्चा की बात कही थी। मैं तो आज भी मानता हूँ एनडीए का जिस तरह विस्तार हो रहा है, टीडीपी कल एनडीए में आई है और छोटे छोटे दल जैसे आरजेडी आया था, आरएलडी आया था, आज एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और आने वाले भविष्य के अंदर भी मुझे उम्मीद है कि और भी सहयोगी दल जो अभी तक एनडीए में नहीं है, पहले थे, उनको भी हम लाने का प्रयास है। हिसार से कितना पक्का दावा है आपका, अगर गठबंधन होता है तो हिसार की सीट लड़ेगी? हमारी चॉइस बड़ी क्लियर है। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने अनेक बार कह दिया है कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से पार्टी अपनी तैयारी कर, 2 हमारी प्राथमिकता है और उन प्राथमिकताओं के साथ हम 10 की 10 सीटों पर भी काम कर रहे हैं। 6 लोकसभा हमने कवर कर ली और 13 तारीख को 7वीं लोकसभा का हम नव संकल्प रैली का जलसा करेंगे और उस दौरान पार्टी की गतिविधि जो हिसार लोकसभा में हुई है, जिस तरह विकास करा है, उसका जनता के आगे भी ब्यौरा रखेंगे। अगर गठबंधन होता है तो हिसार या भिवानी सीट मांगेंगे क्या, उसको भी मांग रहे हैं? मतलब हमारी प्राथमिकता है, वो तो अलायंस में बैठ के चर्चा होगी, कौन सी मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी, वो कौन सी लेना चाहेंगे।